और ब्लास्टिंग की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। हेलो गाइस, तो अब हम निकल चुके हैं नाको। हम नाको से निकल चुके हैं अब शिमला के लिए। टाइम हो रहा है कुछ 10:40 के आसपास, तो अब देखते हैं हम कब तक शिमला पहुंचते हैं। उस बीच हम शायद कहीं स्टे मतलब रुकेंगे खाना पीना खाने के लिए, और फिर हम देखते हैं कि हमारा एग्जैक्ट टाइम क्या होगा शिमला के लिए। चलिए अब निकल चलिए अब मिलते हैं फिर आगे किसी स्टॉप पे। बाबा है। हेलो गाइस, एक प्रॉब्लम हो चुकी है। हम जिस रास्ते से आ रहे थे नाको से नीचे, यहाँ पर हो चुका है कुछ लैंडस्लाइड और यहाँ पर हम फंस गए हैं। देखता हूँ बाहर निकल के कितना खतरनाक लैंडस्लाइड है ये। अभी तो आगे चलता हूँ मैं। कितना टाइम लगेगा लगभग? लगभग अरे बाप रे, यहाँ पर इतना खतरनाक लैंडस्लाइड हो रहा है। अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा यहाँ से आगे जाने में। पूरा पत्थर वहाँ से गिरा हुआ है और यहाँ से पूरा पत्थर नीचे। हाँ सब कर दिया, पूरे पत्थर यहाँ गिरा हुआ है। रोड ब्लॉक हो गया। पता नहीं, मुझे लगता है यहाँ पर 2 से 3 घंटे तो मिनिमम लगेंगे, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। माय गॉड, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। अब पता नहीं क्या होगा। चल रहा है अभी काम चालक। हेलो गाइस, तो पता लगा है कि ये ब्लास्ट कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये और ये पत्थर अभी हटा रहे हैं पर हटाने के लिए ब्लास्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ब्लास्टिंग की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, कि जो बड़ा सा पत्थर है ये हट भी रहा है इन्होंने ब्लास्ट के लिए। जो भी सामान TNT होता है ना, क्या ये रोड की है, वो लगा रहे हैं ब्लास्ट करने के लिए, और तब ये रास्ता खुलेगा क्योंकि पत्थर बहुत बड़ा है। खैर अभी हम वेट ही कर रहे हैं ब्लास्टिंग के टाइम पर, शायद हम पीछे जाएँ। अगर मौका मिला तो शूट करेंगे, नहीं तो हम पीछे जाएंगे। चलिए मिलते हैं आगे। यहाँ ब्लास्टिंग होगी, हमने आगे भेज दिया है, आगे जा रहे हैं। यहाँ से वो लाल थार है, हम जाएंगे इधर जो लाल थार दिख रही है। बस यहाँ ब्लास्टिंग शुरू हो गई है, अगर कुछ सीन मिलेगा देख लो ब्लास्टिंग का, देखते हैं। नहीं तो यहाँ सब लोग पैदल यात्रा करते हुए वापस जा रहे हैं, क्योंकि सबको बोल दिया गया कि तो दूर दूर से मतलब ब्लास्टिंग से। अभी यहाँ कुछ है क्या इससे भी आगे चले? नहीं यार, थारे भी चला देख ले भाई, जहाँ से क्रैक क्रैक ना पड़े। ऐसे सारे पत्थर पे क्रैक दिखाई देंगे हमें भाई कुछ ऐसे बात। हाँ यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे नींद लगाए तो। हाँ सेफ जगह लगा लेते हैं। लास्टिंग बस होने वाली है, यहाँ से दिख रहा है क्या? पहुंच जाते हैं हम 3-4 बजे तक शिमला, और ये रास्ता बंद हो गया ना। टकरा रही हवा सब जगह पहाड़ों में।
तो खड़ी कर देंगे ना आगे। हेलो गाइस, आफ्टर ब्लास्टिंग का सीन ये है कि ना ब्लास्ट हो चुका है और आगे जा रहे हैं कि रोड साफ़ हुई कि नहीं हुई। तो जैसे कि मैंने वीडियो दिखाई आपको ब्लास्टिंग की, काफ़ी आवाज़ गूंज गई थी यहाँ पर, काफ़ी धुआं आ गया था, पर अभी भी शायद धुआं ही यहाँ पर, देखो कितना धूल 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 रखी है। और हम थोड़ा आगे जा रहे हैं देखने के लिए कि क्या इसकी सिचुएशन है आफ्टर ब्लास्टिंग। और आप देखते हैं जैसे हैं यहाँ लोग तत्ते वत्ते खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। हम तो बस ये देखो पूरा एरिया धूल धूल, धूल बहुत कम दिख रही है कैमरे में, पर यहाँ बहुत ज़्यादा धूल हो रखी है। तो देखिए यहाँ पर अगर कितना वो हुआ है, पहले तो मैंने आपको दिखाया था कितना था और आपको धुआं कितना भयंकर, तो भयंकर धुआं आ रखा है। मैं कुछ लेके नहीं आ रहा, तो ये लगा रखा है पहले का सीन जैसा था, अब बाद का सीन देखते हैं क्या सीन है। तो काम चल रहा है आफ्टर ब्लास्टिंग, पत्थर के टुकड़े तो हो गए हैं, पर पत्थर के टुकड़ों के बाद भी अभी भी इसमें काफ़ी काम बचता है और अभी इनको साइड करेंगे जेसीबी से। अभी देखो जेसीबी से साइड करेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा इनको फिलहाल। टैक्सी कितना करता है, धुआं कितना आ रहा है इससे, इससे पता लगता है कि सारा धूल आ रही है। यहाँ खड़ा होना मुश्किल है, जिसको डिटेल में यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। बहुत हाँ हवा डर की हवा है, बहुत तकलीफ हवा चल रही है। और मुझे लगता है ये एक दो घंटा और लगेगा, यहाँ पर दो तीन घंटा और लगेगा साफ होने के लिए। बहुत तगड़ी हवा चल रही है, ज़्यादा तक खड़ा नहीं हो सकता हूँ मैं, कभी कभी साफ होगा उसके पेट देता हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा धूल हो रही है, इस वजह से मैं आगे जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा धूल हो गई यहाँ पर, क्योंकि बहुत साफ कर रहे हैं तो काफ़ी धूल हो रही थी। गौरव जी क्या महसूस कर रहे हैं आप? धूल धूल बहुत ज़्यादा, और फन हो रहा है आपको पूरा फुल। अमित क्या लगता है तेरे को? मैं भूख नहीं मार पा रहा हूँ चश्मे में, क्या करेगा, पड़ोसी घर में लगाएगा। हाँ वो तो यूपीएम चलता है, दिवाली आ रही ना। हाँ तो बस हम आगे जा रहे हैं गाड़ी के पास, यहाँ पर बहुत दूर भी दिखा दिया अपने आपको कितना यहाँ का सिचुएशन है। अभी साफ हो गए तो निकलते हैं, ऐसे चलिए मिलते हैं आगे। गाड़ी में दस्त थी सिर्फ, हमारी गाड़ी में हवा कम हो गई थी तो यहाँ पर हमें कहीं भी वो नहीं मिला था पंचर वाला, तो हमने किसी से मांगी है अब। और 10 PSI था ना सिर्फ, कितना हो जाए 35-32 था, इतना होना चाहिए था, तो हमारी बहुत ज़्यादा गलती है। भरी है हवा और नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी तक भी रोड नहीं खुली है, शुक्र है हमें हवा तो मिल गया। 10 point हवा थी और लगता कि इतना चला पाते हम आगे तक बहुत कम था। और अभी भी यहाँ पर काम चल रहा है, पत्थर नीचे गिरे, पत्थर की शायद आवाज़ आ रही होगी नीचे नीचे गिरे। और नेक्स्ट ये होगी जब बाय। तो 3 घंटे हो चुके हैं, अभी भी अपडेट देखने के लिए हम आगे जा रहे हैं, कितना खुला है। अच्छा ओके, सवारी अपने सामान लेके चली गई, वो अपना सेव वेव थे उनके पास लेके चले गए। अब नेक्स्ट अपडेट के लिए जा रहे हैं आगे। ले भाई सामान दिखा, ये भी सही है। हाँ सही है, यहाँ पर पानी नहीं है, मेन तो पानी था मेरा क्या परी गोल्ड इसका ज्यादा हो गया, पत्थर बेवफा है मतलब। सुनो भाई साहब, ये भी गिरने के पूरे चांसेस हैं। 3 घंटे बाद की अपडेट, 3 घंटे बाद की अपडेट यही है कि बस अब हम जा रहे हैं। क्या अपडेट आ गई, तो अब हम
मेन पॉइंट पहुंच चुके हैं जहां पर पत्थर टूट पत्थर अड़ रखा था। यहां जेसीबी भी खड़ी हुई है, ये है पहाड़ अपना खतरनाक से, और यहां सब लोगों ने भीड़ लगा रखी है, यहां काम चल रहा है। और काफ़ी हवा चल रही है यहां पर, और ये यहां की कुछ अपडेट है। यहां आंखों में आई थिंक खुल सा तो गया है इस तरफ से थोड़ा थोड़ा सा। पैदल वालों के लिए तो खुल गया है, पर गाड़ी वाले के लिए अभी नहीं खुला है। ये कुछ ऐसा अपडेट है, पैदल आ रहे हैं ऊपर की तरफ से भी टूटे हुए मिले भीड़ बड़ा का लगा हुआ है उस तरफ जाने के लिए। जो गाड़ी वाले हैं वो तो अभी उनको और वेट करना पड़ेगा शायद। ये लोग पैदल यात्री हैं जो जा रहे हैं वहाँ पर। लेट्स सी, देखते हैं हम नेक्स्ट अपडेट क्या मिलती है। बाद में बस चंडीगढ़ लिखा है, चंडीगढ़ गाँव भी स्टेशन है, चंडीगढ़ चंडीगढ़ गाँव है, गाँव का नाम चंडीगढ़। पहले चंडीगढ़ चाइना में था, वहाँ भी वहाँ भी दारू सस्ती मिलती है। गाँव है वो तो ठीक है, अबे वहाँ जाके लोग दारू पीते होंगे, चंडीगढ़ रख दिया उसका नाम। चाइना का बॉर्डर फास्ट तैयार हुए हैं। हेलो गाइस, घंटे हो गए 6 और बड़े जीरो और यहाँ हवाई हालत, गाड़ी में बैठे हुए हम ट्राई कर रहे थे, यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, और 6 घंटे लगातार हम गाड़ी में बैठे हुए थे। पानी भी हमारे पास एक बोतल बचा हुआ है, और हम देखने आए हैं कि कितनी देर में रुकते हैं। ये ट्रैफिक क्लियर होता है, ये रोड हम जा रहे हैं आगे देखने के लिए। भीड़ भी कम हो गई, कई लोग वापस चले गए, और इस टाइम हमें माल रोड पर घूमना था। इस टाइम हाँ रमेश भी परेशान, मैं परेशान, पीछे गौरव आ रहा है, वो तो कभी परेशान होता ही नहीं। खैर और सब टेम्परेचर डाउन हो रहा है धीरे धीरे, यहाँ पर हवा ठंडी हो गई है, लोग कम हो गए पहले से ज़्यादा, वहाँ के लोग ही परेशान हैं, इस तरफ लोग इस तरफ के परेशान हैं, वहाँ भी भीड़ लग गई है। अब है ये कि वो है देखा कि खड़ा वाला ना, अच्छा नहीं हटेगा ना यहाँ से, कुछ तो कुछ कम तो हुआ है सर, लेकिन तो पहुँच नहीं रहा था। अच्छा एक हाँ एक तो आ गई, हाँ काफ़ी आगे तो खोल दिया। कितना रह गया सामान, कितनी लाइन की बस आ गई, ये तो ये तो जा रही थी आगे तक ना, हाँ तो हाँ आगे तक तो पहुँच जाएगी, आगे तक कोकलैंड चली गई ना। ये गिर रहा है, तो आगे निकल गई। हेलो गाइस, तो अपडेट ये है कि अब हम निकल रहे हैं वापस नाको, क्योंकि ये लैंडस्लाइड जो खुलेगी वो रात के आई थिंक 9-10 बजे तक ही खुल पाएगी। तो प्रॉब्लम अब बस यही है कि अब हम सीधा नाको जा रहे हैं, और अब हम कैसे पहुंचेंगे, प्रॉब्लम यही है कि हम वापस कैसे पहुंचेंगे, हमें लगातार ही गाड़ी चलानी पड़ेगी वहाँ के लिए, अपने देहरादून के लिए लगातार गाड़ी हमें चलानी पड़ेगी। और अब हम देख ठीक है, लगातार देहरादून के लिए हमें गाड़ी चलानी पड़ेगी। अब हमें सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा नाको से, और फिर शिमला एंड देन फिर देहरादून, वही हमारा प्लान है। तो आज का हमारा पूरा दिन यहाँ ख़राब गया, हम यहाँ खड़े रहे लैंडस्लाइड की वजह से, और फिर कुछ नहीं हो पाया। तो खैर अब जा रहे हैं वापस। उन लड़कों का नंबर तो तुमने ले रखा ना, मेरे पास नहीं है, उनके पास है मेरा नंबर। मेरे पास एक ना वो किया था, मैंने उसको किया था ना, हाँ उसको ना 9-10 बजे फोन करेंगे जिस टाइम खुला रास्ता, हाँ जिस पे किया था ना तुमने, हाँ एक काम कर अभी फोन करके पूछ ले, अभी तो खुला ही नहीं, अभी क्या करें, भाई सब ने अलग अलग टाइम बताया, कोई कह रहा कल सुबह खुलेगा, कोई
भी एक घंटे में खुले, इसने बोले 9 बजे। बेटा अभी टाइम लगेगा उसमें, जो इसलिए मैं देख रहा है टाइम लगेगा भाई। देख उन्हें एक उसमें वो ब्लास्टिंग करनी है और वो हट जाना है, रास्ता खुल जाना है मेरे ख्याल से। अभी कितने बजे ब्लास्टिंग करने के? 2 घंटे में रास्ता खुल जाता है। पहले 2 घंटे ब्लास्टिंग करा वो कितना करेंगे मशीन से 1 घंटे में? अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी तो हो रहा है कितना हो रहा था? 6 बज रहे ना। एक बार 7-8-9 हाँ, 9 सही तो बोला था, 9 बजे। यहाँ पे रात और 6:30-6:30 का टाइम हो गया है, काम चल रहा है यहाँ पर, अभी तक रोड नहीं खुली है। हम जा रहे थे ऊपर, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि एक बार ट्राई मार लेते नीचे, अगर कुछ होगा, अगर यहाँ नहीं खुला तो फिर ऊपर ही जाएंगे। फिर वापस हम ऊपर जा रहे थे, लेकिन जहाँ स्टीन में पहले सोचा कि यहाँ पर तो ट्राई कर लेते हैं, यहाँ से हो जाता है, यहाँ से नीचे भी जाने का व्यवस्था है, वो 2 घंटे का है। तो ऊपर तो गाड़ी में ही है तेरा? गाड़ी में ही है। हाँ तो बस अब देखते कितनी देर में खुलता है ये टाइम। ना ना गाड़ी में ही, मैंने देख लिया था, उठा लेता ऐसे। चलो फिर तो बढ़िया है, गड़ी सब तो था। फिर तो बढ़िया है, हो जाएगा फिर तो। 8-9 मतलब कोई रुकेंगे, कोई रुकते हैं फिर उसके आगे जाएंगे ना, लेट करेंगे। तो बस अब ये सोचा कि अब ये खुलने का इतना करेंगे, तो सोचे तो ऊपर जाने की, ऊपर नहीं गए हम। अब हम वापस जाने की सोच रहे थे, वापस तो गए थे, तो वापस कोई ऊपर जाने की सोच रहे थे, तो 2 घंटे का सोचा वापस ऊपर जाना। और समझ लो कि वापस 2 घंटे ऊपर जाते, फिर सुबह आते वापस नीचे, तो मतलब वो 2 घंटे हमें और एक्स्ट्रा लगाने पड़ते। तो हम सोचते कि ये खुल जाएगा जब, और फिर उसके बाद हम नीचे 2 घंटे की जगह को है वहाँ पर रुकेंगे, और फिर हम अगली सुबह जल्दी जल्दी निकलेंगे फिर शिमला के लिए। तो अब प्लान चेंज हुआ है, तो ये है वो प्लान। चलिए फिर अपडेट करता हूँ मैं आपको जैसे ही कुछ आगे होता है। बाय टाटा। हेलो गाइस, तो वही हुआ जो हो रहा था, हम वापस नागो आ गए हैं उसी होटल में जहाँ पर हम रुके हुए थे। और कहानी कुछ ऐसी कि रोड बंद ही थी, तो हमें वापस ही आना पड़ता था। हमने सोचा कि वहाँ रोड खुल जाएगी 9 बजे तक, तो हम पहुँच जाएंगे आगे एक जगह पू में, तो वहाँ हम स्टे करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सारी जो मशीनें थी वापस आ गई, तो हमें वापस आना पड़ा वापस 15 किलोमीटर पहले नाको में। और हम उसी होटल में तीसरी बार आ चुके हैं, पता नहीं कुछ पुराना जा रहा ना यहाँ से इसलिए शायद। और अब हम आज यहाँ स्टे करेंगे और कल सुबह यहाँ से 9 बजे के आसपास निकलेंगे और कंटिन्यू चलाएंगे अपनी गाड़ी, जैसे कि हम कंटिन्यू आए थे दिल्ली से यहाँ पर। अब हम यहाँ से कंटिन्यू देहरादून जाएंगे और फिर वहाँ पर हम करेंगे अपना स्टॉप। बीच में हम बस थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, बस ज़्यादा थोड़ी नहीं रुकेंगे, पेट्रोल के लिए रुकेंगे और बस इन्हीं चीज़ के लिए रुकेंगे। बस हमारा यही अब जर्नी रहेगी, आज हम रात को बस यहीं स्टे करेंगे और बस यहाँ से निकलेंगे। यही आज का अपडेट, मिलते हैं कल सुबह। गाइस गुड मॉर्निंग। तो कल का आपको पता लग गया था कि क्या हुआ था हमारे साथ। हम पहले रुके थे वहाँ पर वेट करने के लिए, चाय कितने एक चाय तो पी ली तुझे और ना ना बस चाय पी ली। हम पहले रुके थे वेट करने के लिए पत्थर हटेगा, फिर हमने सोचा कि वापस होटल में आएंगे, फिर उसके लिए रुके, फिर वापस आए हम होटल, फिर बीच रास्ते में सोचा कि यार नहीं हम रुकेंगे थोड़ा, पत्थर जब हटेगा तब जाएंगे। फिर वापस गए हम उस पत्थर वाले रोड पर, फिर उन्होंने खुद ही बोल दिया कि पत्थर कल सुबह उठेगा। फिर वापस हम आए इस होटल में जहाँ से हम निकले थे, रात को सोए सुबह उठे। अब स्थिति ऐसी है कि अब एक हम यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं फिर निकलेंगे। और इन्होंने बहुत अच्छा बड़ा बढ़िया सा एक रूम है इनका, ऐसा कुछ यहाँ पर ये खाना बनाते हैं, किचन भी बोल सकते हैं। तो उन्होंने काफ़ी गर्म स्टोर रूम कम किचन ऐसा कुछ, तो हम बैठे हैं अभी नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं उसी रोड पर, मिलते चले रोड पर वहीं पर देखते हैं खुलता है खुलता। बाय। हेलो गाइस, तो जो रोड कल टूट गई थी और जिसकी वजह से हम रुक गए थे, वो रोड अब खुल चुकी है, उसका
जो हालत है वो कुछ ऐसी है। हालत थी कल और हम उस इस वजह से हमारा जो ट्रिप था एक दिन डिले हुआ है और अब हमें लगातार गाड़ी चलानी पड़ेगी घर जाने के लिए क्योंकि हमारी छुट्टियाँ आज ही ख़त्म हो जाएगी। तो लेट्स सी, अब हमें पहले हमारा जो वो भी तो ऊपर था ना, बादल कितना मस्त लग रहा है। तो जो हमारा जो मकसद है शिमला पहुंचने का, सबसे पहले शिमला पहुंचते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि वहां से कितना दूर है देहरादून और तब फिर वहां से हम रात भर गाड़ी चलाएंगे एंड देन देहरादून पहुंचेंगे। चलिए मिलते हैं फिर शिमला की तरफ। बाय बाय। हेलो गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं शिमला और कितने घंटे हुआ, 10 घंटे चलाए हमने, 12 घंटे, 10 घंटे लगातार ड्राइव करी हमने। बीच में बस खाने के लिए रुके थे थोड़ा सा और उसके बाद हम यहीं पहुंचे हैं सीधा शिमला। अब हम रुकेंगे तो सिर्फ खाना खाने में रुकेंगे। शिमला हमारा पहला स्टॉप था, जैसे कि मैंने बताया था कि शिमला हम पहला जो हमारा मकसद है वो शिमला पहुँचने का है। अब यहाँ से हम जाएंगे देहरादून जाने के लिए कुछ 6 घंटा बता रहा है, कुछ 6 घंटे के आसपास। तो अब हम पहुँचे कुछ 2 या 3 बजे के आसपास अपने घर और तब फिर देखते हैं हम 2 या 3 बजे पहुँचेंगे, 3 बजे पहुँचेंगे, 4 बजे पहुँचेंगे क्योंकि कुछ देर बाद फिर मैं गाड़ी चलाना शुरू कर दूँगा। टाइम में थोड़ा एवरेज स्पीड में गाड़ी चलाता हूँ तो मैं टाइम में मल्टी पास तक पहुँच जाएंगे हम। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अब आगे देहरादून में या कहीं बीच में खाना खाएंगे तब मैं वहाँ आपसे थोड़ी अपडेट देता हूँ आपको। चलिए बाय। हेलो गाइस, तो हम आ गए एक होटल में, कोई नीलम होटल है यहाँ पर हम खाना खाएंगे अभी और फिर निकलेंगे हम घर को। अब 3-4 घंटे का रास्ता और बचा हुआ है, बस वो कवर करेंगे और फिर चलेंगे यहाँ से। और होटल ठीक है, अभी अंदर से दिखाऊंगा मैं कैसा है, ऑर्डर करते हैं फिर चलते हैं। रेंट जीत गया तो खाने खाने बैठे हैं, थोड़ा सा सब लगे हैं फ़ोन पे, रमेश भी करो जहाँ पर हम गए थे वहाँ पर कुछ खाने के लिए नहीं था, वहाँ बस हमने सिर्फ ट्राइड करने के लिए फ्री में रुके थे, वो हमने करा अच्छे से और कुछ नहीं था, वही नहीं है हम ये पूछ रहे ये है ये नहीं है वो है ये है। तो हमने कुल मिलाकर के 10 लाख रुपए लगाया इस होटल के कि हमें बेच दे, 8 लाख रुपए लगाया हमने कि हमें बेच दे तो वो सही रहेगा, कम से कम कोई मायूस होकर नहीं जाएगा, किसी को हम भूखे पेट नहीं भेजेंगे। इसका कुछ नहीं था, हम वहाँ से वापस आए, देखते हैं अगला कोई होटल होगा वहाँ पर कहीं रुकेंगे, कोई रेस्टोरेंट होगा तो वहाँ चलेंगे अभी। चलिए मिलते हैं किसी अगले रेस्टोरेंट में। बाय बाय। हेलो गाइस, सेकंड ट्राई, अब हम एक और रेस्टोरेंट रुके हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम कुछ ये है मुगलाई क्या है, रूफ टॉप मिनी सीरील। अब यहाँ रुके हैं, यहाँ खाएंगे, अब देखते हैं यहाँ खाएंगे और यहाँ बताएंगे अगर यहाँ मिलता है मैं खाना तो यहाँ खाएंगे, नहीं तो अब देखते हैं आगे। ये आ गई हमारी थाली और हम सारे धुरंधर इसमें चिपट पड़े हैं क्योंकि हमने शाम के बाद से कुछ नहीं खाया, दिन के बाद से, और हम खा रहे हैं तो जो लगा वो मत खाना। चलिए। हेलो गाइस, रात के बज गए 3:21 और हम गौरव को छोड़ने आए हैं और हमने होटल लिया है यहाँ पर, गौरव का सामान निकाल रहे हैं और अब हम चलो आ जाओ गौरव, चलो बाय बाय, चलो 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 चलिए फिर। गौरव को यहाँ छोड़ दिया है, अब हम निकलते हैं यहाँ से, हमारी हालत भी ख़राब सी हो गई है थोड़ी इधर चला चला के गाड़ी। अब मैं रामेश को छोड़ता हूँ और उसके बाद फिर करते हैं इस ट्रिप का एंड, मिलते हैं बाद में
बाय। हेलो गाइस, तो मैंने छोड़ दिया रामेश को घर और इसी के साथ हमारी ट्रिप की होती है समाप्ति और मैं भी अब निकल चुका हूँ अपने घर। तो बस होप आप सबको मेरी इस ट्रिप की सारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को, और मेरी अगली वीडियो का वेट बिल्कुल ना करें क्योंकि बहुत जल्द और वीडियो भी आने वाली है, ऐसी ट्रिप्स और आने वाली है। और चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बेहतरीन वीडियो में। टाटा बाय बाय।